हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमोल और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया आज एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप अगर एक एंड्रॉयड यूज़र है और आपके फ़ोन में अगर हॉटस्पॉट है तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जब आप नॉर्मली यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में जाते हैं, इसको हॉटस्पॉट ऑन कर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं होना था। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो उन लोगों को पता तो मतलब समझ में तो नहीं आता है कभी कभी कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो वो लोग तब नॉर्मली अपने फ़ोन को जो रिसेट करता है या फिर उसका सेटिंग जो है फ़ोन का उसको रिसेट करता है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों का डेटा भी चला जाता है। तो फ़ोन को रिसेट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। ये नॉर्मली आप फोन रिसेट करके तो कोई भी सेटिंग आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा आप किस तरह से अपने फोन को बिना फॉर्मेट के या फिर सेटिंग को बिना रिसेट किए आप अपने फोन में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को बिना स्किप के देखते रहिए। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप जब अपने फ़ोन पे मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो पॉपअप देगा, आप यहाँ पे अगर अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कांट यूज़ मोबाइल हॉटस्पॉट फाइल डाटा सेवर इज ऑन। मतलब यहाँ से तो अच्छी तरह से बोला गया है कि आपके फ़ोन में डाटा सेवर ऑन है, जिसके कारण आपका हॉटस्पॉट जो है ऑन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के दौरान ये वाला पॉपअप जो पढ़ता ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा है, वो नॉर्मली देखते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करने जा रहा है तो नहीं ऑन हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपके फ़ोन की प्रॉब्लम क्या है। तो इसको आप ऑफ करेंगे कैसे? तो नॉर्मली आपको चले जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग पर। तो सेटिंग पर जाने के बाद आपको जो डेटा सेवर है उसको ऑफ करना है। तो उसको कहां पे मिलेगा? आपको फोन में जो कनेक्शन ऑप्शन है यहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जाने के बाद आपको डेटा यूजेज ऑप्शन आपको फोन पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, डेटा यूजेज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे जाते ही आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेवर जो ऑन है। तो आपको क्या करना है, इस पर प्रेस करना है नॉर्मली और इसको ऑफ कर देना है। तो ऑफ कर देने के बाद जब भी आप अपने फ़ोन पे मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर जाते हैं ऑन नहीं होते, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आता है। आप सोचते हैं कि शायद मेरा हॉटस्पॉट खराब हो गया या फिर फोन का बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं कहीं ले जाके, या फिर अपने फोन को रिसेट कर देता है। लेकिन वो सब करने का कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से वो ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि आपको अगर अपने फ़ोन पे ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कहाँ पे आपको ढूंढ नहीं पा रहे आप, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत एक आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले आपके फ़ोन के जो सेटिंग है उसके मेन पेज पे आ जाना है। अभी आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाएगा। ये सर्च बार सभी जगह पे होता है, एंड्रॉइड नूगाट पाई ओरियो सभी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डेटा सेवर। अब जब भी यहाँ पे डेटा सेवर ऑप्शन को टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो नॉर्मली आ जाएगा, आपको किसी जगह पर जाना ही नहीं है। जब भी यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे डेटा सेवर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस पर प्रेस करके आप नॉर्मली यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो आपको जो वाला ऑप्शन अच्छा लगे वो वाला यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर पहला वाला अच्छा लगे तो ठीक है, अगर ये वाला अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं। बात एक ही है, आपको पहुंचना तो एक ही जगह है और ऑफ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको बाजू वाले बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।